जनता चंबल की चंदौसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में फव्वारा चौक पर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करके गांधी जयंती मनाई। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की धूम है। इसी अवसर पर जनपद चंबल की चंदौसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के नेतृत्व में फव्वारा चौक पर पहुंचकर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती मनाई। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि महात्मा गांधी त्याग और बलिदान की मूर्ति थे और अपने जीवन में संघर्ष करके समाज की कुरूतियों को दूर किया। मामला है इसको लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो आपके पार्टी के विपक्षी लोग हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि सरकार ने काफी मदद की है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं भी एक काम हूँ, ये मामला बहुत ही निंदनीय है, घृणित है। हमारी सरकार इसके प्रति चिंतित है और वो सक्रिय कदम उठा रही है। ऐसे लोगों के लिए कभी भी बच्चा नहीं जाए, ये जांच के उपरांत पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन ये तो सत्यता है ही है कि बच्ची की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के जो भी कारण होंगे उनको सरकार नहीं बख्शेगी। बेटियों के लिए एक उनके लिए सुरक्षा देना हमारी सरकार का एक मुद्दा है। के सवाल में और जैसा कि समाजवादी पार्टी सरकार कांग्रेस सरकार इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या इस मुद्दे पर ये सियासत की जा रही है? विपक्ष के लिए तो मुद्दा ही चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा उनके लिए चाहिए। उनके पास वो मुद्दा रही थे, उनके पास कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, जनता को राहत देने का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी को मुद्दा बना रही है और चमकने का प्रयास कर रही है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम केवल इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि महात्मा गांधी त्याग की मूर्ति थे, एक बलिदान की मूर्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से परिश्रम किया और समाज की कुरीतियों को दूर किया, स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटा, आज इसीलिए आज उनका इतिहास बना और हम सब लोग उनके पदचिन्ह पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो समाज को दी, जहाँ एक ओर हमें स्वतंत्र किया वहीं दूसरी ओर हमारे लिए स्वच्छता का भी संदेश दिया। और आज उनके 20वीं जयंती पर हम स्वच्छता अभियान में भी सम्मिलित होंगे सब लोग, और हमने माल्यार्पण किया है